I don't know why my videos always start with Rome. So guys, today we will be going to a sacred place, temple, which is known as Bhimashankar. Oh yeah, I can't pronounce. Okay, let's go. ओके सो हम लोग पहुँच गए हैं अभी पार्किंग वगैरह करके, कुछ वो क्या बोलते हैं दिया वगैरह अगरबत्ती एंड ऑल सब खरीद के फिर वी विल बी गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल टू द टेम्पल ओके वट एवर. सो गाइस द जगह इज वेरी ठुनिया, यू कैन सी. सो गाइस मंडे और मंडे लाइक शिव जी का कुछ होता है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो आई थिंक आज यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगा. एंड यहाँ ऊपर बहुत स्टीप है, ऊंचा है थोड़ा पहाड़ों के ऊपर. ओके तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मंदिर, चलो. मेरे आगे भी पहाड़, मेरे पीछे भी पहाड़, साइड पे भी पहाड़, मेरा मतलब लेफ्ट पे भी पहाड़, राइट पे भी पहाड़. पहाड़ों के बीच से मैं अंकिता आप लोग को फिर से स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग पे. लेट्स गो. सबसे पहला मंदिर जो था गणेश मंदिर, उस मंदिर को दर्शन करके आ गए हैं और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं हमारे दूसरे मंदिर के लिए, हम उसमें भी पूजा करेंगे. वो मंदिर और भी पहाड़ों से थका हुआ है. जस्ट फील द ब्यूटी ऑफ द हिल्स गाइस, इतना अच्छा लग रहा है. मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, बट आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू गो. मुझे नहीं पता वहाँ मंदिर कैसा होगा, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड ये जो पॉन्ड आप देख रहे हैं, इस पॉन्ड का पानी कहा जाता है कि ये कभी नहीं सूखता, पता नहीं क्यों. ये सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर का मेन द्वार, मेन गेट. सो यहाँ के लोगों से पूछ के हमें ये पता चला है कि ये जो मंदिर है पूरा झरना के ऊपर है, ठीक ऊपर. तो हम एक्साइटेड. I'm here with my mama. Hello. चलो. Brightness नहीं है, brightness कम आ रही है. दोस्तों मुझे सबसे अमेजिंग बात ये लगी कि वो जो मंदिर जाने का रास्ता है ना, वो यही है. ये झरना क्रॉस करना पड़ता है हमें मंदिर जाने के लिए, और बाकी कोई रास्ता नहीं है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडे ठंडे पानी में पैर धोना चाहिए. भाई और बहनों लाइन देख रहे हो यहाँ पे, मतलब सोमवार जो शिव जी की पूजा के लिए सब आ गए. बढ़िया. आई वंडर लोग इतने मेहनत क्यों करते हैं यहाँ आने के लिए, मतलब सुबह सुबह कुछ नहीं खाता है और उसके बाद इतनी लंबी लाइन, 150-200 लोगों की लाइन क्रॉस करके जाना पड़ता है. शायद कुछ ना कुछ पावर ज़रूर है यहाँ पे, जिस कारण लोग इतना बिलीव, इतना मान रखते हैं यहाँ का. Thank you.
जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही कहा था कि ये मंदिर झरने के ऊपर है, तो यही है वो मंदिर एंड दिस टेम्पल इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। और झरने की आवाज़ तो सुन ही रहे हैं आप लोग। पहाड़ों के पीछे घूमने लिखने हाय मिलके अच्छा लगा। सी यू सून, बाय बाय। सो गाइस, आज का व्लॉग बस इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई विल बी बैक विद एन अनदर व्लॉग ऑन एन अनदर डे। टिल देन लव यू ऑल।